आज की वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं सीआरपी को इंप्रूव करके। अगर आपको पता नहीं है सीआरपी क्या है तो मैं रिकमेंड करूंगा आप मेरी लास्ट वीडियो देखिए, जाके ऊपर लिंक आ जाएगा आई बटन में, आप वहां पे जाके देखिए कि सीआरपी होता क्या है, फिर इस वीडियो को देखिएगा तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब स्टार्ट करते हैं इंप्रूवमेंट पॉइंट्स के साथ। सो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, आप देख सकते हो वही पुराना कोड अगर आपने पुरानी वीडियो देखी है, अगर नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूंगा उसको देखिए जाके, आपको समझ में आएगा सीआरपी कैसा होता है। सो सामने हमें दिख रहा है एक नॉर्मल एचटीएमएल फाइल जिसके अंदर कुछ सीएसएस फाइल्स है, कुछ जेएस फाइल्स है और एक एच1 टैग है, सिंपल कुछ लोड नहीं है इसके अंदर, सिंपल हमारे पास एक एचटीएमएल फाइल है। ठीक है, अब हम सबसे पहला प्रोसेस देखते हैं, सबसे पहले क्या आता है जब भी हमें परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी होती है। सो सबसे पहले आता है हमारे पास रेस्पॉन्स हेडर्स, ठीक है ये रहा। सो बेसिकली जब भी हम किसी फाइल को इंपोर्ट कराते हैं, जैसे यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में, अभी तो मैं लोकल फाइल यूज़ कर रहा हूँ, मान लेते अगर ये स्क्रिप्ट टैग का हमारे पास यूआरएल होगा कोई भी https google.com, सो ये हमारा बेसिकली एक CDN कहलाएगा कि हम CDN से डेटा ला रहे हैं। CDN बेसिकली एक फाइल को अपलोड करता है, उसको मल्टीपल सर्वर्स पे डाल देता है। मान लेते हैं एक USA का सर्वर है, एक इंडिया का सर्वर है, एक रसिया का सर्वर है, तो अगर मैं रसिया में जाके एक्सेस करता हूँ उस वेबसाइट को तो मेरे पास रसिया की वेबसाइट से ये फाइल आएगी, अगर मैं इंडिया में जाके उसको इंपोर्ट करता हूँ तो मेरे पास इंडिया के सर्वर से फाइल आएगी। इसका फ़ायदा ये होता है कि लेटेंसी कम आ जाती है, मतलब मान लेते हैं अगर मैं रसिया में जाके इंडिया के सर्वर से लेता हूँ तो ऑब्वियसली लेटेंसी हमारी ज़्यादा आएगी, पर यहाँ पे लेटेंसी कम हो जाती है अगर हम CDN यूज़ करते हैं। ठीक है, CDN इतना होता है, तो सबसे पहला हमारा ये रहता है कि हम CDN यूज़ करें, CDN में हमारी लेटेंसी कम आ जाती है तो परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है, मतलब फाइल का साइज़ कम हो जाता है तो वो जल्दी आती है। हाँ, सो सेकेंड आता है हमारे पास कंटेंट एनकोडिंग। जब भी हम CDN से डेटा मंगाते हैं तो हमारे पास एक और बेनिफिट होता है, हम उसमें रेस्पॉन्स हेडर्स डाल सकते हैं। रेस्पॉन्स हेडर्स क्या होते हैं अब देखते हैं। सो बेसिकली आप जब भी किसी वेबसाइट पे जाएंगे, जैसे जान लेते हैं phonepe.com, और मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ और यहाँ पे एक JS फाइल है, मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखी है, तो इसके अंदर जाके देखिए आपको एक रेस्पॉन्स हेडर्स मिलता है, ये फ़ोनपे का सर्वर भेजता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो मेन रेस्पॉन्स हेडर्स है जिसके बारे में हमें देखना है, वो है कैशे कंट्रोल और दूसरा आता है हमारे पास कंटेंट एनकोडिंग। यप, सो ये दोनों क्या करते हैं, आपने कभी सोचा है कि आप कैशे को कंट्रोल कर सकते हो? जो भी आप वेबसाइट पे कैशे दिखाते हो, हमारी फाइल कैशे हो जाती है पर हम उसको कंट्रोल कैसे करें ये हमें पता नहीं होता, तो वो ऐसे होता है, सर्वर से आप बेसिकली एक रेस्पॉन्स हेडर भेजिए कैशे कंट्रोल करके, उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स भेजिए, जैसे यहाँ पे मैक्स एज 3600 भेजा है, 3600 बेसिकली इसका मतलब है 3600 तक आप इसको कैशे करके रखिए इस फाइल को, 3600 बेसिकली 60 मिनट्स होंगे अगर हम सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। हाँ, और हाँ, सो बेसिकली आप कैशे कंट्रोल की मदद से कंट्रोल कर सकते हो किसी भी कैश को कि आपको कैशे कैसे करना है। सेकंड हमारे पास आता है कंटेंट एनकोडिंग। आपने zip के बारे में देखा होगा, आपने zip फाइल बनाई होगी बहुत बार, तो 4-5 फाइल को आपस में मिला के जब हम zip बनाते हैं तो उसका साइज़ कम हो जाता है ना, सो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ किया गया है। gzip बेसिकली क्या करेगा, आपकी gs फाइल को एक एनकोडेड फाइल बना देगा, तो ये कम से कम 30 to 50% आपकी फाइल का साइज़ ऑलरेडी रिड्यूस कर देगा बिना किसी कोड रिमूव करे, मतलब एज इट इज़ कोड होगा बट वो उसको एक एनकोडिंग लगा देगा gzip की, तो अगर आपकी 1 MB की फाइल है बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो 600-700 KB में ऑटोमेटिकली चली जाए। कंटेंट एनकोडिंग भी आपकी सर्वर से होती है, सर्वर से आपको डिफाइन करनी होती है कंटेंट एनकोडिंग और कैशे कंट्रोल। अब एक बार इनका डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं, तो जैसे यहाँ पे हमने देखा कंटेंट एनकोडिंग, यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस आते हैं, मोस्टली पॉपुलर जो ऑप्शंस हम यूज़ करते हैं वो है gzip और br ब्रॉडली बेसिकली। सो आप इनको देख सकते हैं MDN डॉक्स को, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये वीडियो इसके लिए नहीं है। सो सेकेंड आप देख सकते हो कैशे कंट्रोल। कैशे कंट्रोल में एक मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ जो आपको बहुत ही पसंद आएगी कैशे कंट्रोल। सो इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स कह लो या आइडेंटिफायर कह लो। सो एक तो हमारे पास मैक्सेज आ गया कि मैक्सेज कितनी होनी चाहिए, ये जैसे कि कितनी एज तक फ्रेश रहना चाहिए, सो आप पढ़ सकते हो उसको। अब इसमें दो बहुत ही अच्छे कीवर्ड्स हैं, एक आता है पब्लिक, एक आता है प्राइवेट। सो प्राइवेट और पब्लिक में आपको ऐसे समझिए, आप वेबसाइट का सर्वर है और आप हो, ठीक है, आप एंड यूज़र हो, आप ब्राउज़र पे देखते हो, ब्राउज़र तक डेटा जाने तक बीच में बहुत सारी एंटिटीज़ आती है, जैसा आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गया, आप जब भी आप इंटरनेट एक्सेस करते हो आप ISP से पहले कॉन्टैक्ट करते हो ना, मान लेते हैं आपके पास एयरटेल का अगर इंटरनेट है तो आप एयरटेल से कॉन्टैक्ट करते हो कि एयरटेल आओ मुझे इंटरनेट दो और मुझे एक्सेस कराओ, ठीक है।
तो प्राइवेट का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपको जो डेटा कैशे करना है वो सिर्फ ब्राउजर पे करना है, मतलब एंड यूजर के पास करना है। और पब्लिक का मतलब ये होता है बीच में जितनी भी एंटिटीज आ रही है हर जगह आपको कैशे करके चलना है। तो मतलब अगर आपने पब्लिक किया है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी जो फाइल जाएगी वो एयरटेल के पास भी कैश हो जाएगी, जिससे अगर आप इंटरनेट की एक्सेस मांग रहे हो तो वो सर्वर तक जाए ही नहीं, ISP आपको वापस लौटा दे उस कैशे को, बेसिकली उस कैश्ड फाइल को, है ना, गजब का कॉन्सेप्ट। अगर आपके ब्राउजर में नहीं है पर ISP के पास उसका लेटेस्ट कैश है तो वो सिंपली ISP से आपको दे देगा, मतलब सर्वर तक जाने की जरूरत ही नहीं है। कैशे कंट्रोल के साथ एक और पॉइंट आता है ई टैग करके। सो ई टैग आप ऐसे समझिए, ये वर्जन बताता है किसी भी कैशे का, मतलब ऐसे समझिए कि अगर आपने एक आज आज आपने एक वो भेजा है कैशे, मतलब एक फाइल भेजी है, आज आपने उसका नाम दे दिया वन, कल जाके आप उसको अपडेट कर देते हो, ठीक है। अब फ्रंट एंड को पता कैसे चलेगा, या फिर किसी भी बीच में जो ISP वगैरह उनको पता कैसे चलेगा, तो वो ई टैग देखेंगे। अगर आपने ई टैग टू कर दिया तो उसको पता चल जाएगा हाँ भाई ये नया डेटा आ चुका है, तो अब एक काम करते हैं कैशे को हटा देते हैं, नया डेटा दिखा देते हैं। तो ई टैग के बारे में भी आप पढ़ सकते हो, ये भी इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। रेस्पॉन्स हेडर्स के बाद अब हम एक और काम कर सकते हैं, वो होता है मिनिफिकेशन का। सो अगर हम मिनिफिकेशन में जाते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है अनयूज कोड को हटा दीजिए, जो भी आपका न्यूज कोड है उसको हटा दीजिए, बस सिंपल। इससे क्या होगा, आपके फाइल का साइज़ कम होगा, साइज़ कम होगा तो जल्दी आएगा, मतलब जल्दी आपको डेटा मिलेगा उस फाइल का, और फिर जल्दी जल्दी सब कुछ चलेगा फ्रंट एंड पे। सो मान लेते हैं जैसे अभी यहाँ पे index.css है मेरे पास, इसकी फाइल देखे कितनी है, 6000 है, ऑलमोस्ट 7000 हिट करने वाली है। सो अगर मैं इसको ब्राउज़र पे जाके लोड कराता हूँ स्लो 3G के साथ, क्योंकि लोकल होस्ट पे सब कुछ तेज़ तेज़ चलता है, इसलिए मैं स्लो 3G करता हूँ, क्योंकि नॉर्मली कभी कभी इंटरनेट डाउन हो जाता है, तो उस पे भी हमें मेक श्योर करना है कि सब कुछ सही चले। हाँ, सो अभी देखिए index.css फाइल थी वो कितनी देर में लोड होगी, यहाँ पे देखिए कितने सेकंड्स लगे हैं, 7.76 सेकंड्स, और 95 KB का हमारे पास साइज़ है, और हमने सिर्फ एक काम किया था यहाँ पे H1 को कलर दिया था, बाकी सारा हमारा जंक था। तो मैं क्या करता हूँ, सारी फाइल को रिमूव कर देता हूँ H1 को छोड़ के, और अब मैं रिलोड कराता हूँ, तो अब देखिएगा क्या होगा। यहाँ पे देखिए मिनी index.css लोड हो चुकी है ऑलरेडी, 365 बाइट, बस इतना साइज 2 सेकंड में लोड हो गई। तो ये देखिए इसी ये फायदा होता है, आप अनयूज कोड को हटाइए, फाइल साइज कम होगा और फिर सब कुछ फटाफट चलेगा। अनयूज कोड को आप एक और तरीके से हटा सकते हैं, अभी दिखाता हूँ आपको। अगर कोई अनयूज कोड है आपका कमेंट्स वाला, तो उसको आप मिनिफिकेशन से हटा सकते हैं। मिनिफिकेशन एक प्रोसेस है आपके कोड को एक एल्गोरिदम की मदद से कन्वर्ट करना। उसमें क्या होगा, आपका जो भी कोड होगा वो एक एल्गोरिदम की मदद से कन्वर्ट करके एक अजीब सा कोड बन जाएगा, जो आपको भी समझ में नहीं आएगा, किसी को भी समझ में नहीं आएगा, पर वो चलेगा और वो किसी कोड को रिमूव नहीं करेगा कमेंट के अलावा। तो अगर मैं जाता हूँ index.js, index2.js, यहाँ पे देखिए एक लाइन का कोड है, बट इतना सारा हमारे पास कमेंट है। अब एक तरीका तो ये आता है कि मैं कमेंट को रिमूव करूँ, पर क्या पता कमेंट सही हो, कमेंट मैंने अपने लिए रखे हो, तो हम क्या करेंगे, इसको मिनिफाई कर देंगे ऑटोमेटिकली। सो अगर आप यहाँ पे देखें index2.js का फाइल अभी साइज़ अभी 267 KB है, पर अगर मैं मिनीफाई कर देता हूँ उसको और यहाँ पे ऊपर जाते हैं मिनीफाई, यहाँ पे मैंने पूरा कोड लिख दिया, तो यहाँ देखिए सिर्फ एक लाइन का कोड बचा है मिनीफाई करके, क्योंकि कमेंट्स जो होते हैं वो डेवलपर्स के लिए होते हैं, वो प्रोडक्शन के लिए नहीं होते। तो अगर मैं सिर्फ इतना कोड डालूँगा अपने फाइल के अंदर मिनीफाई करके, तो अब देखिएगा कितना फाइल साइज आएगा, कि बाइट्स में आ चुका है, देखिए बाइट्स में इसका साइज आ चुका है। तो आप समझ गए, अनयूज कोड को हटाइए और सब कुछ सही चलेगा। मिनिफिकेशन एक बिल्ड का प्रोसेस है, बेसिकली आप मिनिफाई करते हो कोड को तो वो बिल्ड में जाता है। बिल्ड जिसको नहीं पता है, अगर आपने रिएक्ट पे काम किया हो, जब भी हम कोई कोड लिखते हैं एक एक फाइल में वो सारा कन्वर्ट हो जाता है, वो मिनिफाई होके एक फाइल में कन्वर्ट होता है, उसी फाइल को हम रेंडर कराते हैं फ्रंट एंड पे। अब देखते हैं अगला टॉपिक। अगले टॉपिक में आते हैं हम, तो हमारे पास आता है नेम मंगलिंग करके, मैंगलिंग होता है या मंगलिंग होता है मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से मैंगलिंग होना चाहिए। अभी एक रिपोर्ट भेजी थी, बेसिकली रिपोर्ट पब्लिश करी थी VS कोड ने, जिनमें उन्होंने नेम मैंगलिंग की थी। नेम मैंगलिंग बेसिकली ये कहता है कि अगर आपका फंक्शन का नाम इतना लंबा है तो आप उसको छोटा कर दीजिए और इतना कर दीजिए, ठीक है।
पर इतना सा था। और या फिर आपके कोई ऑब्जेक्ट है उसमें आपने बहुत लंबे लंबे पैरामीटर नाम लिखा रखे हैं, उसको थोड़ा छोटा कर दीजिए और इतना कर दीजिए, और फिर देखिए आपकी फाइल का साइज़ छोटा हो जाएगा। ये कैसे होगा? सो इसके बारे में आप इसमें पढ़ सकते हैं, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कैसे VS कोड ने अपना 20% बिल साइज़ कम किया है इस नेम मैंगलिंग की मदद से। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमने अभी तक क्या किया है, हमने अनयूज कोड हटा दिया है, हमने उसको एनकोड कर दिया है, मतलब उसमें एनकोडिंग लगा दी है, उसका फाइल साइज़ कम किया, अभी तक हमने फाइल साइज़ ही कम किया है। कभी कभी ऐसा होता है फाइल साइज़ हमने कम कर दिया बट क्या पता वो फाइल यूज़ ही नहीं हो रही हो, तो क्या हमें उसका उसे लोड करना चाहिए? तो अभी देखते हैं कैसे हम उन फाइल्स को हटा सकते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर यूज़ के लिए बनी है। ठीक है, सो जैसे कि मान लेते हैं अगर मेरे पास एक index2.css एक index.css है, देखिए index.css में इतना सारा कोड है, सो index2.css में इतना सारा कोड है। अब मैं क्या करता हूँ index1.css को हटा देता हूँ, हाँ इसका साइज़ मैंने कम कर दिया है। ठीक है, index2.css का भी बहुत साइज़ है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी आपको पता होगा कि css रेंडर ब्लॉकिंग होती है। ओके, सो अगर मैं index.css लोड भी करा दूँ तब भी जब तक index2.css लोड नहीं होगी मेरा कोड लोड नहीं होगा। बट मैं चाहता हूँ index2.css सिर्फ उनको हिट करे, उस UI को हिट करे जब कोई यूज़र अपना पेज प्रिंट करा रहा हो, मतलब जब भी वो प्रिंट कराता है कंट्रोल पी करके, सिर्फ यहाँ पे उसको कलर चेंजेस हो या जो भी चेंजेस हो CSS के, और उसके लिए मैं ये फ़ाइल लोड करा रहा हूँ। इतनी बड़ी फाइल है देखिए। सो अब क्या होगा, अब क्योंकि मैं दोनों को एक साथ इंपोर्ट करा रहा हूँ तो ये रेंडर ब्लॉकिंग हो जाएगा। बट मैं चाहता हूँ नहीं, ये रेंडर ब्लॉकिंग नहीं होना चाहिए, मैं सिर्फ इसको प्रिंट के लिए यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैं एक एट्रीब्यूट आता है मीडिया करके, वहाँ पे आप लिख सकते हो स्क्रीन साइज़ वगैरह भी और प्रिंट, ये सब कुछ आप MDN पे पढ़ सकते हो। सो मैंने कर दिया मीडियन प्रिंट। अब क्या होगा, अब देखिएगा जैसे ही index.css हमारी लोड होगी तुरंत हमारे पास UI आ जाएगा। अब हमारा रेंडर ब्लॉकिंग नहीं रहा ये, क्योंकि जो मीडिया प्रिंट होगा वो लोड होगा पर वो सिर्फ यूज़ होगा प्रिंट में। यहाँ पे कुछ गलती हुई है लगता है, हाँ मुझे index.js और index2.js को कमेंट करना था। सो अभी मैंने slow3g किया है। अब देखिए जैसे index.css आएगी, आ गई और तुरंत हमारे पास कोड आ गया। सो ऐसे हम रेंडर ब्लॉकिंग हटा सकते हैं CSS की। आप स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए अगर किसी CSS को कर रहे हो तो वहाँ पे ऐसे एट्रीब्यूट्स यूज़ करिए। अब ये बात हो गई CSS की, पर कभी कभी क्या होता है JavaScript में भी ऐसा होता है। मान लेते हैं JavaScript हम यूज़ कर रहे हैं और वो भी आपको पता है JavaScript पार्सर ब्लॉकिंग होती है। सो जब तक index.js लोड नहीं होगा index2.js लोड नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, हमें स्क्रिप्ट टैग को पार्सर ब्लॉकिंग से हटाना है। हम चाहते हैं नहीं यार आप इसको ब्लॉक मत करो, आप लोड हो जाओ पीछे या फिर जब आपका टाइम आएगा तब लोड हो जाना। तो हमारे पास दो कीवर्ड आते हैं, सो बेसिकली पहला आता है एसिंक, दूसरा आता है डिफर। दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो देखते हैं। एसिंक क्या होता है, आप हम इसको कहते हैं कि भाई तुम लोड हो जाओ, ठीक है, और फिर जब तुम्हारी मर्जी आए जैसे तुम लोड हो जाओ तब आ जाना, तब आप खुद को यहाँ पर दिखा देना। ठीक है, तो एसिंक का काम सिंपली ये होता है। अब मैं वापस जाता हूँ कोड में तो आपको दिखाता हूँ index2.js का, ये देखिएगा कितना होगा साइज़। सो मैंने मैंने डिलीट किया था, सो वापस कर देते हैं। index2.js का मैं साइज़ बढ़ा रहा हूँ। अब मैं वापस यहाँ पे आता हूँ, index2.js का साइज़ मैंने बढ़ा दिया बहुत सारा। सो आइडियली क्या होता, जब तक index.js और index2.js लोड नहीं होती तब तक हमारे पास ये कमेंट नहीं आता, इंडेक्स एंड index2.js आर लोडेड। बट अब इस केस में क्या होगा, क्योंकि हमने इसको एसिंक लगा दिया है तो ब्राउज़र इसको तभी लोड करेगा जब इसका डेटा आ जाएगा, तो तभी इसको दिखेगा। ठीक है, तो अभी मैं एक बार इसका प्रीटियर को हटा देता हूँ। हाँ, सो अब जैसे ब्राउज़र पे जाते हैं अब देखिएगा, रिलोड कराते हैं। सो index.js को देखिएगा, जैसे index.js लोड होगी हमारी हो चुकी है तो यहाँ पे कमेंट आ चुका है पर index2.js अभी भी लोड हो रही है। तो ऐसे हम पार्सर ब्लॉकिंग हटा सकते हैं JS स्क्रिप्ट की। और एक और कीवर्ड आता है हमारे पास डिफर। सो डिफर बेसिकली ये कहता है कि मैं इस JS फाइल को लोड कर दूंगा, मतलब बेसिकली इसका डेटा ले आऊँगा पर जब तक पूरा पेज रेंडर नहीं होता मैं तब तक इसको रन नहीं करूँगा, मतलब ये सबसे लास्ट में रन होगा जाके। ठीक है, एसिंक का क्या था कि जैसे ही मेरा कंटेंट आ जाएगा मैं तुरंत लोड हो जाऊँगा, और डिफर का क्या है, मैं कंटेंट लाऊंगा
और फिर सबसे लास्ट में रन करूँगा। सो अगर मैं इसको सेव करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, नो थ्रोटलिंग कर लेते हैं इस बार, वरना स्लो 3G में बहुत टाइम लगता है। हाँ, सो यहाँ पे अभी अब देखते हैं इंडेक्स टू डोर GS कहाँ गया हमारा, दोबारा रीलोड कराते हैं। हाँ, सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडेक्स टू डोर GS, सॉरी ये तो इंडेक्स टू डोर CSS है। सो आप यहाँ पे इंडेक्स टू डोर CSS को भी देख सकते हैं कि इसको लास्ट में प्रायोरिटी मिली है, क्योंकि हमने इसमें मीडिया प्रिंट लगा रखा है। और यहाँ पे इंडेक्स टू डोर GS, इसको यहाँ पे देखिए सब कुछ पैरेलली लोड हो चुका था, पर इसका डेटा यहाँ पे आया आने के बाद सबसे लास्ट में लोड हुआ। तो ये आता है कैसे आप स्क्रिप्ट टैब को पार्सर ब्लॉकिंग से हटा सकते हैं, ऐसे आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। और अगर मैं अभी डेफर को हटा देता हूँ और फिर इसको कहता हूँ कि मीडिया प्रिंट तुम भी हट जाइए, तो अब देखिए कितनी बेकार परफॉर्मेंस हो जाएगी वेबसाइट की। एकदम स्लो 3G करते हैं, और ये कमेंट जो हमारा नीचे वाला स्क्रिप्ट टैग है कंसोल वाला, ये लोड ही नहीं होगा जब तक इंडेक्स टू डॉट जेएस नहीं आ जाता है। इंडेक्स टू डॉट जेएस लोड आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ये अभी तक आया नहीं है। और जैसे ही वो आ जाएगा, ये तुरंत आ गया। देखिए आज के वीडियो में इतना ही। CRP कैसे इंप्रूव करते हैं, ये पार्ट 1 था, इसका पार्ट 2 भी आने वाला है। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अलर्ट को दबा दीजिएगा, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आए आपको अलर्ट आ जाए। जो भी आपके डाउट्स हो कमेंट कर दीजिएगा, जो आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसको बनाने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी, जिसमें मैंने बताया है कि क्या 4 रूल्स जावास्क्रिप्ट वेरिएबल डिफाइन करने के जो आपको फॉलो करने चाहिए फ्रंट एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस में। सो आज के लिए इतना ही, मिलती है अगले बार सेमी कॉलन।